जय माता दी। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी पुरानी प्रेमिका हो या फिर कोई ऐसी लड़की हो जिसे आप बेइंतहा चाहते हो, आप चाहते हो कि वो लड़की हमेशा के लिए आपकी बाहों में आ जाए। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्या है तरीका, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। इसे करने के लिए आपको सिर्फ लहसुन की एक कली की जरूरत है। एक कली लहसुन की लीजिए और आपको चाहिए होगा काला धागा और एक सुई। धागा आप नॉर्मली जो सिलाई में इस्तेमाल होता है वो धागा ले सकते हैं। और आपको लहसुन पर लिखना होगा अपनी प्रेमिका का नाम। आपकी प्रेमिका का नाम आप लहसुन की कली के ऊपर साफ अक्षरों में किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप सुई में धागा डाल रहे होंगे, उस समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम अमुकम कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण जब आप सुई में धागा डाल रहे होंगे उस समय करना है। फिर उसके बाद जब आप लहसुन की कली में सुई को डाल रहे होंगे तब आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद दोस्तों आपको उस धागे को पूरी तरह से लहसुन के ऊपर लपेट देना है और सुई को उसमें से निकाल लेना है। दोस्तों इस लहसुन को ले जाकर आपको किसी पेड़ के नीचे दबा देना है। याद रखें, पेड़ नींबू का हो सकता है, जामुन का हो सकता है, या फिर आप इसे कड़ी पत्ता जहां पे लगा होता है वहां पर जाके आप इसे दबा सकते हैं। दोस्तों याद रखिए एक बात कि जब आप इस कार्य को कर रहे हो तो कोई भी आपको देखने ना पाए। जी हाँ, और आपको वहां से चुपचाप अपने घर वापस आ जाना है और घर आकर हाथ पैर धोकर आराम से बैठ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों कि कुछ ही देर में आपके घर पहुंचते ही आपकी प्रेमिका का आपको कॉल आएगा या फिर वो आपके घर खुद चली आएगी। आपसे मिलने के लिए वो बहुत ज्यादा तड़पने लग जाएगी। तो दोस्तों आप इस उपाय को कीजिए और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि कोई भी आपको देखने ना पाए जब आप लहसुन की कली को वहां पर जमीन में दबाने जाएंगे तब। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ और अगर आपके सवाल हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।